हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपनी किसी वीडियो में आई बटन कैसे लगा सकते हैं। गाइस, जब आप किसी वीडियो का लिंक आई बटन में देते हैं तो व्यूअर उस पर क्लिक करके आपकी वीडियोस को देख सकते हैं। इससे आपकी वीडियोस पे व्यूज़ इंक्रीज होते हैं और इससे आपका चैनल ग्रो भी हो सकता है। तो गाइस, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को कहीं पे स्किप मत कीजिएगा। अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो हो सकता है आपको वीडियो का पूरा फ़ायदा ना मिल पाए। तो गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके सामने के बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी आगे आने वाली ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो आप लोग हमसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम आ गए हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से अपनी यूट्यूब वीडियोस पे आई बटन कैसे लगा सकते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं कि क्रोम ब्राउज़र ओपन हो गया है। अब हमें यहाँ सर्च बार में टाइप करना है youtube.com। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं कि YouTube ओपन हो गया है। अब आपको ऊपर की तरफ राइट कॉर्नर पे 3 डॉट मिल जाएंगे, आपको उन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके सामने कुछ ऑप्शंस आते हैं, आपको उन्हें ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है और डेस्कटॉप साइट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपका YouTube डेस्कटॉप मोड में ओपन हो जाता है। अब आपको इसे ज़ूम करना है और राइट कॉर्नर पे आपको अपने YouTube चैनल का लोगो दिखाई देगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ ऑप्शंस आते हैं, आपको योर चैनल पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपका चैनल यहाँ पर ओपन हो जाता है। तो आपको यहाँ पर कस्टमाइज चैनल पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर YouTube स्टूडियो ओपन हो जाता है। अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। लेफ़्ट साइड में आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे, आपको सेकेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपने जो अपने चैनल पे वीडियोस अपलोड की हैं वो सारी की सारी वीडियो आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। अब आप जिस वीडियो पे आई बटन लगाना चाहते हैं आपको उस वीडियो पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप किसी वीडियो पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। आपने अपनी वीडियो पर जो टाइटल डाला है और जो डिस्क्रिप्शन डाला है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर आपको एक कार्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आपको उस पर क्लिक कर देना है। अब जिस वीडियो पर आप आई बटन लगाना चाहते हैं वो वीडियो यहाँ पर शो होने लगती है। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस मिल जाते हैं, एक वीडियो का, एक प्लेलिस्ट का, एक चैनल का। अगर आप आई बटन में किसी वीडियो का लिंक ऐड करना चाहते हैं तो आपको वीडियो पर जाके उस वीडियो को सिलेक्ट करना होगा जिसे आप आई बटन में ऐड करना चाहते हैं। जिस तरह आपको वीडियो को ऐड करना है उसी तरह आप प्लेलिस्ट को भी ऐड कर सकते हैं, उसी तरह आप दूसरे चैनल को भी ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर आपको वीडियो ऐड करके दिखा देते हैं। यहाँ नीचे की तरफ आपको एक पॉइंटर दिखाई दे रहा होगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है और वहाँ पर लेके जाना है जहाँ पर आप आई बटन को सेट करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पर इसे सेट कर लिया है। उसके बाद आपको इस प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको तमाम वीडियोस मिल जाएंगी जो आपने अपने चैनल पर अपलोड करके रखी हैं। जिस वीडियो का लिंक आप आई बटन में देना चाहते हैं आपको उस वीडियो पर क्लिक कर देना है। तो हमने यहाँ पर इस पर क्लिक कर दिया है। अब आपको इस पॉइंटर को दूसरी जगह पर सेट करना है जहाँ पर आप आई बटन को ऐड करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पर इसे सेट कर लिया है। अब हमें प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। यहाँ पर हमारे सामने 3 ऑप्शंस आते हैं, आपको वीडियो के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपके सामने कुछ वीडियोज़ आती हैं,
आप जिस वीडियो को आई बटन में ऐड करना चाहते हैं आपको उसे सिलेक्ट कर लेना है। जैसा कि गाइस आप देख सकते हैं कि हमारी वीडियो आई बटन में ऐड हो चुकी है। आप यहां पर देख सकते हैं कि आपका आई बटन किस तरह से शो होगा। अब हमें सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हमारी सेटिंग सेव हो चुकी है। इस तरह से आप अपनी वीडियोज़ में आई बटन लगा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके सामने के बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी आगे आने वाली ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो गाइज़ अब हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।